मैं हूं तारिक महमूद पोठोहार टाइम्स से और इस वक्त हम रावलपिंडी में हतम नबूवत कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। यहां पर हतम नबूवत कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा सरा जो हैं वो भी आए हैं। तो साहब, जो हुकूमत ने ट्रांसजेंडर बिल जो है उसको मंजूर किया है और ये जाहिर कर रहे हैं कि ये ख्वाजा सराओं के लिए है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम अपने अल्लाह के दीन को, अल्लाह के अहकाम को नहीं बदल सकते। अगर हम बदलेंगे तो प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, हम अल्लाह के कानून को छेड़ेंगे। ये देखिए कितना सलाब जलजला तूफ़ान आफतें आ रही हैं, ऊपर से अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, मेरा आपसे सवाल है कि आप एक्सेप्ट करते हैं ख्वाजा साहब दूसरे ख्वाजा साहब से एक मर्द से एक औरत से शादी करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? अब अपना बताएं। मेरा तो ये ख्याल है क्योंकि ये बिल आपके नाम पर लाया गया ना, उन्होंने मर्दों का भी बोला है, आपके ख्यालात जो हैं वो हम जानना चाहेंगे। हमारे ख्यालात यही है, एक मर्द दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकता, ये अज़ाब इलाही अल्लाह की अज़ाब को आवाज़ है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में हमजिंसी थी, वो सिर्फ़ हमजिंसी करते थे। अल्लाह ने उनको निस्तर नबूत कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ हमजिंसी करती थी। जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे दो इंसानी रूप में फरिश्ते आए, उन्होंने भी यही कहा था। जब लोग उनके पीछे भाड़ गए ना, उन्होंने भी यही कहा था कि ऐ लोगों मेरी कौम की बच्चियों के साथ शादियाँ कर लो, इनको छोड़ दो। अगर पिछली शरीतों में ये जायज़ नहीं था, अब शरीयत में कैसे जायज़ है? पूरा मुल्क तो हमारा सलाब में डूब चुका है, 70% इलाका डूब चुका है, जो 30% ये बचा हुआ है, इसको प्यारे दोस्तों हम अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कानून को चैलेंज करके उस अल्लाह के अज़ाब को, लूत अलैहिस्सलाम वाली कौम वाले अज़ाब को आवाज़ दे रहे हैं। हर कौम पे एक अज़ाब आया था, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर 5 अज़ाब आए थे, पत्थरों की बारिश हुई थी, बस्तियाँ उलट गई थी। तो प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, नूह वाली कौम का अज़ाब तो पानी में आ गया, अब लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हम आवाज़ दे रहे हैं कि वो अज़ाब क्यों नहीं आ रहा? प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, इसका हाल यही, हम पक्की सच्ची तौबा कर लेंगे। सलाब जल्दे तूफ़ान आफते आ रही हैं, इसका हाल है हम पक्की सच्ची तौबा कर लें। तौबा नसुआ, ये इतना सलाब जल्दे तूफ़ान आ रही है, ये क्या है? ये अज़ाब है, ज़माइश है, नबी की उम्मत पे अज़ाब नहीं आएगा। अगर ये ज़माइश है तो इसका हल क्या है? अगर इसका हल तौबा है तो इनफरादी तौबा है कि इज्तमाही तौबा है? इनफरादी तौबा में तो ये ख्वाजा साहब, ये देखें आपके सामने तौबा करके आए हैं, इनफरादी तौबा से बात नहीं बन रही। अगर इसका हल इज्तमाही तौबा है तो वो इज्तमाही तौबा कौन करवाएगा, कब करवाएगा, कहाँ करवाएगा? अच्छा, ये हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जो ख्वाजा साहब हैं वो सारे एक जुबान होकर इस बिल को जो है वो मुस्तरद करते हैं। माशाल्लाह, 2018 से हम इस बिल के पीछे पड़े हुए हैं, ये शरीयत के खिलाफ है, ये हराम है। बाशऊर कौम है हमारी। इंशाल्लाह ताला ये बिल को सारे मुस्तरद करेंगे। ये हमारे साथियों से बात कर जो इस फील्ड में रह रहे हैं। और ये बिल जो है ये आपके हकूक पर डाका है, आप क्या समझते हैं? हमें नामंजूर है, सरासर गलत है, हमें नामंजूर है, जो बिल पास हुआ हमें नामंजूर है। जी नाजरीन, इस वक्त जो पाकिस्तान के ख्वाजा सरा हैं वो भी इस बिल को जो है वो यकसर एक ज़ुबान होकर मुस्तरद कर रहे हैं और वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इस तरह का कोई बिल पास नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ नफाज़ शरीयत महमदी ही होना चाहिए।